हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ निधि, और बहुत दिनों के बाद एक नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। बहुत दिनों बाद मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ। सो आज के व्लॉग में कुछ क्लिप्स मेरी उस दिन की भी है जिस दिन मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, तो वो भी मैंने शूट की थी, तो वो भी डाल दूँगी इसमें। और आज का जो वीडियो है वो मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ टीचिंग से। तो आज की टीचिंग बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टीचिंग है, जिसमें बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है, हम सिर्फ सोच लें, अच्छा सोचने से चीज़ें हो जाएंगी, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्या हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए। कई लोग ऐसा बोलते हैं, मुझे पर्सनली भी कई लोगों ने ऐसा बोला है कि ये क्या है फिजूल का, और बस अच्छा सोचो और अच्छा हो जाएगा क्या, जो चाहो वो वाकई में मिल जाएगा, हमें काम तो खुद ही करना पड़ेगा। तो ये टीचिंग उस चीज़ का बहुत अच्छा जवाब हो सकती है। ये आ गई है हमारी चिप्स आइसक्रीम्स, मेरे को बस एक ही खानी है, बट आई है कितनी सारी आप देख सकते हो। तो ये है मेरी फाइल। 3 hours later दिखाओ। क्या है ये, इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मेरे अम्मा ने, मैंने नानू नानी की गोल भी कर दी, अच्छी नहीं थी, गर्मी से गंदी थी। तो फिर अब क्यों खा रहे हो जब अच्छी नहीं थी? तो यहाँ पे तो खाया नहीं है तुमने अभी। आया इसने, पूरा खाया। कब? दो बार, एक बार यहाँ पर। हाँ, यहीं पर। देखो ये ये इस ये पिंक कलर का क्यों है? क्योंकि एक पापड़ पिंक कलर का, मैं करना पिंक वाला नहीं था। आ आपका व्हाइट कलर का है ना? नहीं, ऊपर नहीं, इनका शायद वनीला फ्लेवर है, और इसका वो है स्ट्रॉबेरी। खाओ जल्दी से। इधर दिखा, इधर दिखा, इधर दिखा। व्हाइट नहीं, पिंक है ना? अच्छा, अंदर से व्हाइट है। ओ, चीटिंग। अजीब सी आ रही है रोशनी यार, अंधेरा सा हो गया ना। सही चीज किया तुमने। आपकी शैडो कर रही है ना? बाय शैडो। आज की टीचिंग तीन आपको इंग्रेडिएंट देती है टू गेट द सक्सेस, टू गेट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। तो उसको करने के लिए आपको तीन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ती है, जो कि बहुत ही सिंपल है, बट आपको रिलीजियसली उन चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है। क्या है वो तीन चीज़ें? अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, शब्द जब आपके मुँह से निकले वो अच्छे होने चाहिए, एंड एक्शंस जो है, गुड एक्शंस आपको करने चाहिए, मतलब आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। तो आपको अच्छा काम करना है, अच्छा बोलना है, और अच्छा दिमाग और दिल में सोचना है। ये तीन चीज़ें आपको करनी ही करनी है।
अब मैं आपको बताती हूँ कि प्रैक्टिकली कैसे चीज़ें काम करती हैं, क्योंकि सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि गांधी जी की तीन बातें हैं और इनका क्या कितना ये प्रैक्टिकल हैं कि नहीं है। तो ये प्रैक्टिकल हैं, मैं समझाती हूँ कैसे। हर फील्ड में ये प्रैक्टिकल है, चाहे वो कोई बच्चा एग्ज़ाम दे रहा हो, उसको अपने अच्छे नंबर लाने हो, कोई जॉब अचीव करनी हो, शादी करनी हो, घर लेना हो, जो भी आपको अपनी लाइफ में चाहिए, उस हर जगह पर ये चीज़ फिट होती है। तो क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो बोलता है कि आप जो सोचते हो वही आप अचीव करते हो, तो बस सोचना ही है? नहीं, सोचना है एक, मतलब आपको तीन तरीके से अपनी वाइब्स जो है वो क्रिएट करनी है। जब वो तीनों चीज़ें फिट होती है तब फिर आप वो चीज़ें अट्रैक्ट करते हो जो आप चाहते हो, ठीक है। तो कैसे, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, हम लेते हैं एग्जांपल वेट लॉस का। फॉर एग्जांपल आप वेट लॉस करना चाहते हो, मैं वेट लॉस करना चाहती हूँ, मैं 5 kgs लूज़ करना चाहती हूँ, ठीक है। अब उसके लिए मुझे क्या करना है, अच्छा खाना है, अच्छा डाइट प्लान अच्छा रखना है, वर्कआउट करना है, रेस्ट करना है, जो भी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें करनी, इससे मेरा वेट लूज़ हो जाएगा। क्या हो पाएगा सच में अगर मैं अच्छी डाइट फॉलो कर रही हूँ और वर्कआउट भी सब कुछ अच्छे से कर रही हूँ, बट मन में एक चिंता चलती जा रही है कि यार पता नहीं होगा भी कि नहीं, और इस वाले डाइट प्लान से ये चीज़ हो पाएगी नहीं, ये चीज़ मैं कब तक कर पाऊँगी, इससे मेरा कितना वेट लूज़ होगा, फलाने का तो इतना हो गया था, ये सब मेरे मन में जो मेरा थॉट है वो इस चीज़ पर काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन ऊपर से मैं सारी डाइट वाइट सब अच्छे से फॉलो कर रही हूँ, ठीक है। और अगर किसी ने मुझे पूछा कि यार तुम डाइट फॉलो कर रही हो, चल रहा है, कैसा चल रहा है, वेट लूज़ हुआ, कुछ फ़र्क पड़ा, अभी हफ्ते भर हो गए हैं, तुरंत मेरे मुँह से निकलेगा, अरे कुछ नहीं अभी तो मैं कर ही रही हूँ, पता नहीं होगा भी कि नहीं, अरे कुछ काम नहीं कर रहा है, मेरे शब्द ये हैं। तो तीन इंग्रेडिएंट में से एक तो मैं सही कर रही हूँ, जो कि है एक्शंस जो हैं वो मेरे अच्छे हैं कि मैं अच्छी डाइट फॉलो कर रही हूँ, वर्कआउट कर रही हूँ, सब चीज़ें कर रही हूँ। बट जो दो इंग्रेडिएंट्स बाकी हैं, सोचना और बोलना, ये दो चीज़ें मैं अच्छे से नहीं कर रही हूँ, तो क्या मैं वाकई में वेट लूज़ कर पाऊँगी? नहीं, नहीं कर पाऊँगी। अब इसका रिवर्स कर लेते हैं कि हम अच्छा सोच रहे हैं, अरे मैं तो 1 महीने में 5 kgs लूज़ कर लूँगी, अरे इसने किया उसने किया, आई एम पॉजिटिव, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रही हूँ, जो सोचूंगी वही होगा, अच्छा सोच रहे हैं, एकदम आराम से सो रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, आराम से चिप्स पापड़ सब खाए जा रहे हैं, ठीक है। कोई पूछ रहा है तो भी बोल रहे हैं हाँ हाँ आराम से हो जाएगा मेरे 1 महीने में, नहीं तो दो महीने में तो आराम से हो ही जाएगा, तुम देखना, बस तुम देखना। तो दो इन्ग्रीडियंट्स हम यहाँ पर दे रहे हैं कि हम अच्छा सोच रहे हैं और अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन हम अच्छे एक्शंस नहीं ले रहे, तो क्या वेट लूज़ होगा? नहीं। किसी भी डाइटिशियन से आप बात करेंगे ना, तो वो आपको ये चीज़ हमेशा बोलेंगे कि आप अच्छी डाइट, फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज सब कुछ करना है, बट स्ट्रेस नहीं लेना है इस चीज़ का कि हमारा वेट कितना लूज़ हो रहा है या नहीं। कितने लोग आपको ये सजेस्ट करते हैं कि रोज़ अपना वेट मेजर नहीं करना चाहिए, वंस इन अ वाइल 1 महीने में 1 या 2 बार ही आपको चेक करना चाहिए, क्योंकि उससे स्ट्रेस आता है और वेट लूज़ करने की जो प्रोसेस है उसमें हर्डल आता है। इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि अच्छा खाना पीना एक्सरसाइज तो ज़रूरी है, बट अच्छा सोचना भी ज़रूरी है, अच्छा बोलना भी ज़रूरी है। तो इन शॉर्ट, कोई भी चीज़ आपको चाहिए उसके बारे में अपने मन में, दिल में एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए कि जो चीज़ आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगी, आप कर रहे हो अच्छे से काम। उसके बारे में जब भी कोई बात करिए तो वो अच्छा बोलिए, पॉजिटिव बोलिए, और एक्शंस तो आपको करनी है जो रिक्वायर्ड है। सोच लिया, बोल लिया, उसको फॉरगेट कर दीजिए, भूल जाइए कि अब ऑर्डर दे दिया है आपने, अब आपके जो एक्शंस है वो आप काम करते रहिए और वेट करिए कि कब आपकी वो चीज़ आपको अचीव हो जाएगी। आई होप आज का पॉइंट आपको रिलेटेबल भी लगेगा, और आप अभी तक नहीं कर रहे थे तो ये तीन इंग्रेडिएंट्स को अपनी लाइफ में बांध लीजिए और इसका रिजल्ट आपको 101% मिलेगा। लेकिन बेसब्री नहीं करनी है कि बस 2-3 दिन, हफ्ता भर आपने मेरी बात सुन के इसको फॉलो किया और फिर आप रेस्टलेस हो गए कि यार चीज़ हो नहीं रही है। ये चीज़ प्रैक्टिस करते करते आपके हैबिट में आएगी, जब ये चीज़ हैबिट में आ जाएगी तब आपको खुद मैजिक अपनी डेली लाइफ में देखने को मिलेगा। सो यही थी आज की टीचिंग, चलिए। आज डिनर का प्लान है, डिनर में बनेगा मेथी का पराठा। तो ये है मेथी का आटा लगा हुआ, और इसके साथ मैंने सुबह बना ली थी चटनी। टिंग 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 टिंग, आहा, कच्चा आम एंड पुदीना की ये चटनी है। तो ये बस आटा निकाल दिया है, अब हम लोग जा रहे हैं थोड़ा मूवी देखेंगे,
और उसके बाद बस पराठे सेकने का काम बाकी रह जाएगा। मैं सोचती हूँ शायद मैं अपने लिए कुछ स्वीट में हलवा वगैरह बना लूँ, या अभी देखते हैं क्या होगा, जो भी होगा आपको पता चलेगा ही। अब मैं अपनी थाली दिखाऊंगी, बट फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं फैमिली टाइम, एक घंटा मूवी देखेंगे, देन फिर पराठे बनाएंगे। चलिए कुछ प्रेगनेंसी टॉपिक पर भी बात कर लेते हैं। एक तो मैं अपनी क्रेविंग के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगी, दूसरा स्किन क्वालिटी के भी बारे में बात करना चाहूँगी, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो मेरे साथ इस बार ऐसा कुछ भी अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिसको कि खाने को मेरा बहुत मन कर रहा हो। मेरे साथ वियर्ड क्रेविंग का हिसाब किताब चल रहा है। जब आरफ के टाइम पे प्रेग्नेंट थी तो मुझे एक बार याद है कि बारिश हो रही थी, स्टिल हम लोग कार से गए थे और पाव भाजी खा करके आए थे। वो भी एक नॉर्मल सी शॉप थी जहाँ का ऐसा कुछ नहीं कि फेमस है, बट मुझे बहुत मन कर रहा था वहाँ का पर्टिकुलर वो वाला वेरियंट खाने का, तो हम लोग गए थे। बट इस बार तो कोई सिंगल ऐसी चीज़ नहीं है जो मेरा खाने का मन कर रहा हो और मैं सोचूं कि ये खा के मेरा मन अच्छा हो जाएगा। हाँ, फ्रूट्स मुझे पसंद है तो मैं फ्रूट्स दिन में 2 या 3 टाइप के फ्रूट्स खा ही लेती हूँ, क्योंकि उसको खा के मुझे थोड़ा अच्छा महसूस होता है। एक चीज़ मैंने ये देखी कि जो चीज़ मुझे बिफोर प्रेगनेंसी बहुत पसंद थी वो चीज़ मैं नहीं उतना खा रही हूँ, और जो चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी वो बहुत सारी चीज़ें मैं अभी प्रेगनेंसी में मेरा मतलब मैं उन चीज़ों को इन्जॉय कर पाती हूँ। बहुत ज़्यादा तो मैं किसी भी खाने को इन्जॉय नहीं कर पा रही हूँ, बट जितना भी कर रही हूँ तो जो चीज़ें मुझे नहीं पसंद थी वो, जैसे कच्चा प्याज मैं बहुत खाती थी बिफोर माई प्रेगनेंसी। हर मील के मतलब जहाँ बाहर हम जाते तो हर मील पर मुझे प्याज वाला सैलड चाहिए होता है कच्चा, बट अभी प्रेगनेंसी में प्याज तो मतलब पता नहीं पसंद ही नहीं, ना टेस्ट अच्छा लग रहा है ना उसको देख के अच्छी फीलिंग आ रही है, बिल्कुल ही बंद हो रखा है मेरा। मैगी में बिल्कुल पसंद मुझे नहीं आती थी, मजबूरी में मैं खा लेती थी, बट अभी तो नहीं खा रही हूँ, लेकिन स्टार्टिंग में मुझे मैगी का टेस्ट अच्छा लगता था, अब मुझे मैगी भी नहीं पसंद आ रही। अब मेरे ख्याल से मेरे टेस्ट बड थोड़ा थोड़ा नॉर्मल हो रहे हैं, लेकिन मैगी मुझे पसंद नहीं थी पहले, और मैंने शुरू किए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मतलब मुझे अच्छी लगती थी, मैं कभी कभी खाती थी, क्योंकि ज़्यादा तो मैगी भी नहीं खा सकते, लेकिन हाँ कभी कभी जब बिल्कुल कुछ मन नहीं होता था तब मैं मैगी खा लेती थी, ऐसा होता था। उसके अलावा मुझे कुछ भी मन नहीं करता है, सिर्फ फ्रूट्स अच्छा लगता है, जूस भी मुझे इतना पसंद नहीं आता, लेकिन हाँ मुझे मौसमी का जूस पसंद आ रहा था। तो बनाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, बनाना तो मैंने बहुत ही कम खाया है प्रेगनेंसी के टाइम पे, हालांकि बहुत हेल्दी होता है, बट बनाना मैंने काफ़ी कम खाया है। अनार और एप्पल एंड अमरूद वगैरह खाना है। अभी जैसे वाटरमेलन का सीज़न आ गया तो वाटरमेलन खाया था अभी मैंने 2-3 दिन पहले, इतना मस्त था वो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसी रिफ्रेशिंग चीज़ें जो है ना वो मुझे बहुत अच्छी लग रही है, तो वही खा रही हूँ। बट एज सच मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं होता है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि छोले भटूरे हैं, पाव भाजी है, चाट, पानी पूरी, एक्स वाई जेड। पानी पूरी भी मैं समटाइम्स बाहर जाते हैं तो खाती हूँ, खुद से ऐसे सोच के कि पानी पूरी तो यार खाना ही होता है ना, कि हमारा धर्म है खाना ही हमें वो वाली फीलिंग के साथ मैं खाती हूँ, बट खा के मुझे ज़ीरो सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसके बाद मुझे ऐसा भी लगता है मैंने क्यों खा लिया, हर बार मुझे ऐसा फील होता ही है। और खाखरा वगैरह मैं इतना खाती थी, बिल्कुल नहीं हो पाता। बाहर का तो मैं कुछ खाती हूँ, नाश्ते के नाम पे चाय के साथ जब मैं खाती हूँ तो मोस्ट ऑफ द टाइम या तो ब्रेड होती है या फिर टोस्ट खा सकती हूँ, वो भी स्पेसिफिक टोस्ट। हर कोई टोस्ट नहीं खा पा रही हूँ मैं, मतलब हर टाइप का नहीं खा पा रही हूँ, स्पेसिफिक जो प्लेन आता है वो, एंड मुरमुरे और या फिर पोहा वाली जो नमकीन मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की हुई रेसिपी, मोस्टली मैं वो पीनट के साथ में घर का बना हुआ मतलब वो चीज़ मैं इन्जॉय कर रही हूँ। तो ऐसा सच इस बार पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, बट मुझे कोई भी चीज़ की क्रेविंग हो ही नहीं रही है, कोई भी चीज़ खाने का ऐसा वो नहीं हो रहा है। हाँ, इन जनरल अगर मैं बोलूँ तो मुझे मीठा थोड़ी चॉइस में है, मुझे हर मील में ऐसा लगता है कि कुछ मीठा होना चाहिए, और मीठे में भी ऐसा नहीं है कि बिस्किट खा लिया या फिर पता नहीं कुछ अलग टाइप का मीठा खाने का मन करता है। जैसे बाहर खाना खाते हैं तो फिर मैं वहाँ पर ब्राउनी वगैरह खा लेती हूँ, और घर में भी ऐसे चॉकलेट्स वगैरह मुझे पसंद आती है, थोड़ा मीठा रहता है इससे, तो मीठा साइड जो है वो मेरा थोड़ा स्ट्रॉन्ग है इन कंपैरिजन टू नमकीन साइड। बट ऐसा नहीं कि सिर्फ मीठा ही मीठा खा रही हूँ तो ही मेरे को जम रहा है, नहीं, सिर्फ मीठा भी नहीं खा पा रही हूँ बट थोड़ा मीठा, जैसे मैं पहले इतना नहीं खाती थी तो अभी चल रहा है मेरा। तो यही है मेरी क्रेविंग की कहानी कि मुझे बिल्कुल नहीं हो रहा था। आप लोग जो भी लोग प्रेग्नेंट हो मुझे बताना कमेंट करके कि आपके साथ आपकी क्रेविंग की क्या स्टोरी है, क्योंकि मैं तो बड़ी परेशान हो गई हूँ, क्योंकि जब तक आप अच्छा खाना खाओ नहीं ना, कोई भी चीज़ हो आपको खा के सेटिस्फेक्शन मिले तो फिर थोड़ा लाइफ में एक रंग आता है। अभी तो मेरी लाइफ जो है वो कलरलेस हो गई है, क्योंकि खाने का कोई मुझसे पूछ ले तो मुझे लगता है मेरे जीवन का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है कि मैं क्या खाऊँगी, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। बट खाना मैं प्रॉपर खाती हूँ, हेल्दी चीज़ें इंक्लूड करनी, क्योंकि कुछ भी खाने का मन नहीं करे तो यार हेल्दी चीज़ें खाओ, दही वगैरह मैं खाती हूँ, दूध मेरा रेगुलर का है, ड्राई फ्रूट्स मेरा है, और फ्रूट्स जैसे कि मैंने बताया कि 2-3 टाइप के फ्रूट्स मैं खाती हूँ। दाल वगैरह मैं ऐसे शॉर्ट्स के जैसे, अभी तो मैं थोड़ा इन्जॉय करने लगी, बट स्टार्टिंग में 4 मंथ जो थे उसमें मैं बस शॉर्ट्स के जैसे एक कटोरी दाल गटका ली तो इस तरीके से करती थी, क्योंकि खाना तो छोड़ नहीं सकते हैं।
इसलिए नहीं कि बेबी की ग्रोथ बहुत मतलब है, बेबी की ग्रोथ तो हो ही जाती है क्योंकि हमारे अंदर इतना सब कुछ होता है, लेकिन बेबी होने के बाद हमारी ग्रोथ जो है ना, हमारी बॉडी एकदम से टूटने लग जाती है अगर आपके अंदर कुछ भी नहीं है। ये मुझे डॉक्टर ने ही मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पर समझाया था कि बेबी को किसी चीज़ की कमी नहीं होती क्योंकि माँ के पास जितना भी स्टोरेज है ना वो बेबी ले लेता है, बट अपने लिए आपको खाना होता है कि आपके जो न्यूट्रिएंट है ना आपकी बॉडी में बने रहे ताकि आपकी रिकवरी अच्छे से हो, आपकी बॉडी अच्छे से रहे, बेबी को भी सपोर्ट मिलेगा, ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो इसीलिए खाना तो बहुत ज़रूरी है। और मेरी मम्मी बोलती हैं कि भाई लड़कियों का खाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि अल्टीमेटली कितना भी हो हर इंसान की एक जिम्मेदारी होती है, तो लड़कियों का ही, लड़कियों के ऊपर इस टाइप की लाइबिलिटीज़ रहती हैं, उनकी क्या बोलूँ, बॉडी स्ट्रक्चर ही भगवान ने ऐसा बनाया है, फंक्शनिंग ही ऐसी बनाई है कि उनको चाहिए ही होता है थोड़ा एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट। तो इसलिए अपने खाने का ध्यान तो बहुत ज़रूरी है कि आप रखें, और मैं रखती भी हूँ, मतलब मैं कॉन्शियस हूँ अपनी फिटनेस और अपने खाने को लेकर के कि हेल्दी खाऊं, क्लीन खाऊं। मैं कुछ ऐसा बहुत सोच समझ के ऐसा नहीं है कि ये खाऊंगी तो ऐसा होगा, वो खाऊंगी तो ऐसा नहीं मैं रखती। मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो भी शेयर किया था कि किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब आप कोई भी डाइट फॉलो कर रहे हो प्रेगनेंसी में, स्पेशली आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, की पॉइंट्स होते हैं जिनका आपको ध्यान रखना होता है। खाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, डाइट कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं होती है कि बहुत ज़्यादा सोचा जाए, बट बेसिक कुछ रूल्स होते हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हो तो बहुत ही ईजी हो जाता है एक हेल्दी डाइट को फॉलो करना अपनी रेगुलर लाइफ में भी और प्रेगनेंसी में। क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो स्किन क्वालिटी जो है मेरी एकदम ही कचरा हो रखी है, बहुत ही ख़राब हो गई स्किन। चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक पे बात करूँगी कि किन लोगों के साथ में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और क्या इसके रीजंस है, उसके बारे में मैं बात करूँगी। मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस और अभी का एक्सपीरियंस, सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी, और इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। और मिलती हूँ आपसे कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।